सेंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जो है हम काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन इंडिया। उसकी हिस्ट्री के विषय में जानेंगे कि कब जो है फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था कैलकुलेट करने का नेशनल इनकम को, और साइंटिफिक प्रोसीजर किसने अपनाया था। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, बहुत बार ये पेपर में रिपीट करता है, ठीक है। और सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा रिगार्डिंग आपके एंट्रेंस एग्जाम। अगर हम बात करें यहाँ पर टॉपिक्स टेस्ट सीरीज जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके पार्ट बी को कवर करवाया जाएगा, पार्ट बी के टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, 150 टेस्ट इसमें अवेलेबल एट वेरी मिनिमम प्राइस, ठीक है। और आप इस नंबर पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सअप के थ्रू, ठीक है। अगर हम बात करें इसका टेस्ट सीरीज का नाम टॉपर्स टेस्ट सीरीज क्यों पड़ा, तो इसके अंतर्गत आपके ऑल इंडिया रैंक वन के जो आपके स्टूडेंट थे उन्होंने चूज़ किया था इस टेस्ट सीरीज को, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है DSE JNU HCU BHU के लिए आपके सेलेक्ट हुए थे। और अगर हम बात करें तो आप ज़रूर से इसको एक बार चूज़ करिएगा, और दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज आपका जो पेपर है वो CBT मोड में होने वाला है, तो ऑनलाइन टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। और ये इसमें आपको टॉपिक वाइज और कुछ आपके इस बार टेस्ट चेंज होंगे, जिसमें आपको फुल टाइम टेस्ट भी मिल जाएगा। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कि लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज फुल टाइम टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें दी जाती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जिसका बैच ऑलरेडी रनिंग है, रेगुलर आपके 3 घंटे की क्लास रन कर रही है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, और उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो चलिए पढ़ेंगे आज आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग इंडिया की बात करते हैं कि फ़र्स्ट टाइम किसने अटेम्प्ट किया था आपके नेशनल इनकम को मेजर करने के बाद का, ठीक है, फर्स्ट टाइम किसने नेशनल इनकम को मेजर किया, एस्टिमेट किया, कैलकुलेट किया, तो अगर हम बात करें यहाँ पर दादा भाई नौरोजी आपके 1876 में फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट लेते हैं आपके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत बार आपके पेपर में पूछा जाता है, समटाइम्स क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है कि कब पहली बार अटेम्प्ट किया गया था, तो आजकल NTA का फेवरेट क्वेश्चन भी रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन टू अडॉप्ट साइंटिफिक प्रोसीजर, कौन से ऐसे पर्सन थे, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साइंटिफिक मेथड अपनाया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, तो कौन थे आपके डॉक्टर VK RV Rao। 1931 में इन्होंने फर्स्ट टाइम आपके अटेम्प्ट किया था कैलकुलेट करने का, साइंटिफिक मेथड यूज़ किया था नेशनल इनकम को, ठीक है। अगर हम बात करें ऑफिशियल अटेम्प्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा था, तो PC महल नोबिस का आपने नाम सुना होगा, जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था वो आपके महल नोबियन मॉडल पे था, ठीक है, नेहरू महल नोबियन मॉडल भी कहते हैं, और सेकेंड फाइव ईयर प्लान आपकी किस पे फोकस करता है, हैवी इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। तो वही PC महल नोबिस ने फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट किया था आपके नेशनल इनकम को मेजर करने का। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था नेशनल इनकम कमेटी, ये भी पूछा जाता है कि कब नेशनल इनकम कमेटी को गठित किया गया था, तो 1949 में आपके नेशनल इनकम कमेटी को गठित किया गया था, और उसके चेयरपर्सन थे वो कौन थे, आपके PC महल नोबिस थे। उसमें दो अदर मेंबर्स भी थे जिनका नाम आप बहुत बार पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, प्रोफेसर DR गडगिल और VK RV Rao, जिन्होंने साइंटिफिक अटेम्प्ट किया था वो डॉक्टर VK RV Rao थे, और गडगिल योजना आप पढ़ते हैं वो भी इसमें आपके सम्मिलित थे। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफिशियल जो रिपोर्ट आपके दी जाती है नेशनल इनकम की, आपके जो कमेटी बनी थी आपके नेशनल इनकम कमेटी, वो कब प्रस्तुत करती है अपने रिपोर्ट को, तो 1951 में जो है ये प्रस्तुत करती है, बनी कब थी, 49 में बनी हुई थी, ठीक है। और ये नेशनल इनकम आपके बताती है 1948 to 49 का, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इन्होंने बताया कि 225 आपके पर कैपिटा इनकम आपके प्रति व्यक्ति आय जो है 225 रुपये आपके है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर हम बात करें आपने NSS जो है CSO का नाम सुना होगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके नेशनल इनकम एस्टिमेट को प्रिपेयर करती है, उसका गठन आपके कब होता है, 1955 में आपके एस्टिमेट करना शुरू कर देता है आपका CSO, और इसी ने इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया था। वो तो कौन कौन से 3 सेक्टर्स थे, आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में आपके क्या आ जाता है, जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। अगर हम बात करें सेकेंडरी, जो सेकेंडरी में आपके आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और थर्ड जो आपका है सर्विस सेक्टर। एज वी नो दैट कि सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड किस सेक्टर में, आपके प्राइमरी सेक्टर में है, और अभी इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन इन सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से आपके बढ़ रहा है। तो CSO ने ही डिवाइड किया था इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में, कौन कौन से सेक्टर आपके थे, प्राइमरी, ठीक है, नेक्स्ट आपका है सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, और तो आपके कौन सा है, टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं,
नेक्स्ट हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो आपके सेकेंडरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर दैट इज कम्स अंडर आपके टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं। तो इन्होंने ही इंडिया को डिवाइड किया था, मतलब आपके इंडिया के सेक्टर्स को डिवाइड किया था थ्री सेक्टर्स में। क्लियर ये पॉइंट? तो आप सभी लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा कि किस पर्सन ने आपके साइंटिफिक प्रोसीजर जो इस्तेमाल किया था टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम, और आप ईयर भी लिखेंगे और उस व्यक्ति का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो एक बार फटाक से रिवाइज कर लीजिए कि फर्स्ट टाइम अटेंड आपके नेशनल इनकम को करने वाले कौन थे। आपके दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कैलकुलेट किया था फर्स्ट टाइम 1876 में। और उसके बाद साइंटिफिक प्रोसीजर इस्तेमाल करने वाले कौन थे आपके, डॉक्टर वी के आर वी राव 1931 में। ऑफिशियल अटेम्प्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था आपके, प्रोफेसर पी सी महल नोबिस थे। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इनकम कमेटी बनाई थी वो कब बनाए थे, 1949 में। अगर हम बात करें उसके चेयरपर्सन कौन थे तो पी सी महल नोबिस थे, और उसमें दो पर्सन और थे तो आपके डी आर गडगिल और वी के आर वी राव थे। अगर हम बात करें रिपोर्ट कब सौंपी गई थी तो 1951 में रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसमें आपके पर कैपिटा इनकम को बताया गया था आपके 225, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को 225 आपके बताया गया था। अगर हम बात करें 1955 में नेशनल इनकम एस्टिमेट जो प्रिपेयर किया जाता है आपके सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब अगर हम बात करें इसको आपके इसने आपके इकोनॉमी को कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया, थ्री सेक्टर्स में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से। सेकेंडरी सेक्टर जो है आपके किससे रिलेटेड है, याद रखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग से। और टर्शरी सेक्टर जो है आपके सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स रहे और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कोई सुझाव हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे ही रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन करेंगे। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपके माइक्रो और जो है अदर आपके इंटरनेशनल और हम बात करें पब्लिक की, उसके भी आपके वीडियोस इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।